गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन, राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। So we have two students in a class. What's the probability their birthday will be on the same date? Sorry, on different dates. Haan ji, very good. Siddhant, Sachit. हाँ जी रिधि, वेरी गुड। अंशेव, यश, यश आपका गलत है, वापस चेक करो। रियाना, जस्ट चेक आउट व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, देयर बर्थडे ऑन डिफरेंट डेट्स। हाँ जी, वेरी गुड प्रार्थना, मनोल, इम्प्रेसिव। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट गर्ल्फ, आर्यन, ओके। सो among these two students, you know, let's say the students are Manol and Aryan. So we'll first ask Manol, when is your birthday, right? So let's say Manol's birthday is on 11th June. So except for this date, all other things will be favorable to us, you know. So probability of event happening is favorable outcomes upon total outcomes. Now here the favorable outcomes are any date for the birthday except for 11th June, right? So 11th June ko agar hum chhodenge, so 365 minus 1, these are the acceptable dates for the second birthday. Upon 365, that's total number of days. So my answer is 364 upon 365. That's my answer. Sir, what second student ka agar hum birthday gin le, to sir 363 by 365 nahi hona chahiye? बर्थडे गिन ले मतलब, अगर हम सेकंड स्टूडेंट से भी हमने पूछा हो कि आपका बर्थडे कब है, सो ही इज सेइंग सम अदर डेट, है ना, लेट्स से 14th August। सो नाउ व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या कहना चाह रहे हो? तो सर इन दो डेट्स को छोड़ के अलग नहीं होगा फिर? इन दो डेट्स को छोड़कर थर्ड डेट आप ढूंढना चाह रहे हो, वो थर्ड डेट किसके लिए ढूंढ रहे हो बेटा? टू स्टूडेंट्स के टू डिफरेंट डेट्स पे हो गया, तो दैट्स हमारा यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा सर, ओके ओके, थैंक यू, है ना, ओके ओके। प्लीज सॉल्व दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज एक्स बाय थ्री। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो एक्स बाय थ्री, देन यू हैव टू फाइंड द एक्स। ठीक है, आई होप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है ना ऑल द फॉर्मुलाज, यू नो, सिर्फ दो या तीन ही फॉर्मुलाज है हमारे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग plus probability of event not happening, this is one, probability of impossible event, that is zero, probability of certain event or sure event, that is one. ठीक है, probability of event happening will always range between 0 to 1, probability can never be less than 0 or more than 1. Sir, 1 means 100%, no? हाँ जी, 1 means 100%। सो वेरी गुड, वेरी गुड, सो मेनी करेक्ट आंसर्स। ओके, आई एम नॉट गिविंग आउट नेम, बट आदित्य हैज गॉट रॉन्ग, रेस्ट ऑल करेक्ट, 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 इम्प्रेसिव, टू गुड, सो मेनी करेक्ट आंसर्स आर देयर। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग अ करेक्ट आंसर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, है ना, दैट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, this probability is 1. So both are given as x by 3 plus x by 3, this total is 1, right? So 2x by 3 is 1 or x is 3 by 2. Okay, we have to find value of x, so that value of x is 3 by 2, right? Agreed on this? Iska answer decimals pe dena hoga? Not required. Okay sir. Okay, you can leave it in fraction. Okay, so there is a match between India and Pakistan.
प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन, राइट, प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन इज 0.92. फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान विल विन. ठीक है, देयर इज अ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन इज 0.92. फाइंड प्रोबेबिलिटी इंडिया पाकिस्तान विल विन. नॉट पॉसिबल इज अ रॉन्ग आंसर. एंड फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय रघुवंश सिद्धांत. सिद्धांत रघुवंश, दैट्स इट. एंड अभिराज, वेरी गुड. एंड प्रांतिक, अक्षत, 0.8 कहाँ से आ रहा है बेटा? वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आधी दुनिया का 0.8 आ रहा है. अमितोज 0.8, ठीक है, ये तो सब्ट्रैक्शन में ही गलती है. विक्रमजीत 0.8, ठीक है, बाकी सब ने जो है, कईयों ने 0.08 दिया है. तो प्लीज 0.08 इज रॉन्ग आंसर. ठीक है, हाँ जी, मनोली सेइंग इट करेक्ट. ही सेइंग सर जो मैच है वो टाई भी हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है. सो मेनी ऑप्शंस वर देयर. ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस. हियर आर फॉर्मूला सेज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, दैट इज वन. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन प्लस प्रोबेबिलिटी इंडिया विल नॉट विन, दिस प्रोबेबिलिटी इज वन. इंडिया विल नॉट विन डज नॉट मीन इंडिया विल लूज और पाकिस्तान विल विन, है ना, इट कैन बी अ ड्रॉ और समथिंग. ठीक है, सो हियर यू विल से दिस इज 0.92 प्लस प्रोबेबिलिटी इंडिया विल नॉट विन, दिस इज वन. ठीक है, तो यहां पर भी कई स्टूडेंट्स ने गलती की है. सो दिस इज इंडिया विल नॉट विन, दिस इज 0.08. नाउ इंडिया विल नॉट विन कैन बी हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान विल विन, प्रोबेबिलिटी दैट इट्स गोइंग टू बी अ ड्रॉ, probability that is going to be cancelled out. ठीक है, so this all probability together is 0.08. so probability that Pakistan will win, either you say you cannot determine it uniquely, or probability Pakistan will win is going to be less than equals to 0.08. but exactly 0.08, that's a wrong answer. हाँ जी, understood everyone? बहुत important concept है. sir, data insufficient. yes sir. डाटा इनसफिशियंट, ठीक है, देखो परफेक्ट आंसर अगर आप मुझसे पूछेंगे, सो दिस इज द परफेक्ट आंसर. प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान विल विन इज लेस देन इक्वल्स टू 0.08. ठीक है, और अदरवाइज यू विल से कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली, और डाटा इज इनसफिशियंट टू गेट अ यूनिक आंसर. ठीक है, ऑल दीज आर करेक्ट, राइट. नेक्स्ट वन, probability of winning a race of an athlete is 1/6 less than the twice of probability of not winning the game, theek hai, or not winning the race. Find probability of winning the race, theek hai. So probability of winning plus probability of not winning, this together is one. हाँ जी, प्लीज टू एक्स माइनस वन बाय सिक्स प्लस एक्स. नो, डोंट स्पीक आउट, प्लीज फाइंड द आंसर. चलो, समवन हैज ऑलरेडी गिवन आउट द आंसर, लेट्स सी हियर. सो बेटा, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन probability of not winning. So you'll have to first specify here, let probability of not winning is equals to x. Okay, therefore probability of winning kitna given hai, that's 1/6 less than twice the probability of not winning, so that is 2x minus 1/6, right? This you will put in the equation, you are getting 2x minus 1/6 plus x is equals to 1, or 3x is equals to 1 plus 1/6, that is 7/6, or x is 7/18. ठीक है, क्या ये आंसर करेक्ट है? नो सर. नो,
Why no? आप यहाँ पर हाफ अ मार्क क्यों लूज कर जाते हैं? बिकॉज यू लीव योर आंसर लाइक दिस ओनली, है ना? आपने पढ़ा ही नहीं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस पूछा था, एक्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग है, ठीक है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है यू हैव टू फाइंड. सो यू विल से प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग this is equals to 1 minus probability of not winning. So this is your 11 by 11. ठीक है, this is my answer. Check करें, any doubt let me know. ठीक है, clear है? Okay, very good. Next one. ठीक है, solve it, don't speak it. Please post your answer on chat box. हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड. मनोल करेक्ट, अभिराज करेक्ट. अमितोज नॉट करेक्ट. Try it out. और एक का वैल्यू आ गया, भेज सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल भेज सकते हैं. ओके, someone is saying not able to reach the answer. That's okay. चलो जी, let me call someone. रघुवंश बेटा, if I am saying probability of getting a red ball, है ना? So that will be my favorable upon total. Favorable is number of red balls. So कितनी red balls है बेटा यहाँ पर? Seven are there, है ना? So favorable is 7. Total कितनी है बेटा? X. And probability of red balls, that is given as how much? 1/4. So this is 1/4. Solve करेंगे, you are getting X is 7 × 4, that is 28. That's total number of balls are there, which is 28. ठीक है? Now your X total number of balls is yellow ball. Oh, sorry, sweets are there, na? Yellow sweet, green sweet, plus red sweets are there. Okay? Plus red sweets are there. So you are getting 28 is y plus z is equals to 7. Or you are getting y plus z is 21. Okay? Sir, you have put a sign gulat laga diya. Hanji, hanji. So your answer is, so you will say that x is 28, y and z cannot be uniquely determined. But y plus z is 21. ठीक है, that will be your answer. You know, so don't write cannot be determined or something like that. Just say cannot be uniquely determined. You know, but y plus z is 21. ठीक है, any doubt anyone in this? Okay. Starting में पहले सिर्फ अकेला ये probability of red लेंगे. हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि probability of sweet being red ये given है हमें, है ना? तो हम यहीं से start करेंगे. Sweet being red की probability होनी क्या चाहिए थी? ये होनी चाहिए थी, और given ये है, तो हम दोनों को equate करके हमें x की value मिल जाएगी. उससे पहले लिखा है Jasmine takes out one sweet. Jasmine is a box of this. Red, if Jasmine takes out one sweet, if the probability of sweet being red is 1/4. So Jasmine has taken out one sweet and probability of that sweet being red is 1/4. ठीक है? तो आप अगर confused हो रहे हैं तो बेटा, है ना, you'll have to excuse the English in this question that you can introduce here. Sir, तो x minus 1 होना चाहिए तो? X minus 1. Why x minus 1? Jasmine ने बेटा x number of sweets है, ठीक है? उनमें से एक sweet निकाली है,
ठीक है, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, है ना, दीज आर टोटल केसेस, दिस इज फेवरेबल वी आर टेकिंग हियर. अच्छा, मुझे लगा पहले एक स्वीट निकाल ली उसके बाद की प्रोबेबिलिटी है वो. ओके ठीक है, सो यू कैन नेक्स्ट टाइम है ना जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन अगेन इफ एनी डाउट इज अराइजिंग, है ना, आस्क मी सर व्हाट द क्वेश्चन एक्चुअली मीन. इन अ लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज. हाँ जी हाँ जी, लीप ईयर में डेज कितने हैं, लीप ईयर इज हैविंग 366 डेज आर देयर. ठीक है, इसका मैं ब्रेकअप आपको दे रहा हूं, दिस इज 52 क्रॉस 7 प्लस 2. चलो जी, फाइंड द प्रायोरिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज. करेक्ट करेक्ट, गुड गुड. अंशेव, इट्स रॉन्ग आंसर. यश इज रॉन्ग. ऑल करेक्ट. आर्यन कौशिक, इट्स रॉन्ग. शोभित, इट्स नॉट करेक्ट. ओके, व्हाट एल्स, मेजॉरिटी हैज गिवन करेक्ट आंसर बट वन और टू रॉन्ग आंसर्स, दोज आर डिस्टर्बिंग मी. शौर्य इज रॉन्ग, प्रसन्न इज रॉन्ग, मनोल इज रॉन्ग. ओके चलो जी, पहले एक बात यहां पर क्लियर कर लेते हैं. अगर इफ फुल ईयर वॉज हैविंग 364 डेज, अगर पूरे साल में बेटा 364 डेज होते, ठीक है, तो 364 इज नथिंग बट 52 क्रॉस 7. दैट मीन्स इट वुड हैव बीन हैविंग 52 वीक्स. उसके अंदर 52 वीक्स होते हैं हमारे. 52 वीक्स में फिर ये बात श्योर थी कि 52 संडेज होंगे, 52 मंडेज होंगे, दो देयर इज नो अदर ऑप्शन इज देयर, है ना, एंड 52 सैटरडेज आर देयर. ठीक है, अब व्हाट्स हैपनिंग इज इंस्टेड ऑफ 364 आई एम हैविंग 366 डेज, दैट इज 364 प्लस 2 डेज आर देयर, राइट. ये जो 364 डेज है, दीज आर मेकिंग श्योर कि आई एम हैविंग एटलीस्ट 52 संडेज आर देयर, 52 मंडेज आर देयर, एटलीस्ट दीज मेनी संडेज मंडेज आर देयर, है ना. नाउ इफ द ईयर वॉज स्टार्टिंग विद संडे, ठीक है, तो 364 डेज में जो है पूरे 52 वीक्स खत्म हो गए हैं. ये टू डेज कौन से हो गए, ये टू डेज हो गए संडे फॉलोड बाय मंडे, राइट. सो सेम वे जो लास्ट की जो टू डेज हैं, दे कुड ऑल्सो हैव बीन मंडे फॉलोड बाय ट्यूजडे और फ्राइडे फॉलोड बाय सैटरडे एंड सैटरडे फॉलोड बाय संडे. तो ये कॉम्बिनेशन हमें क्या मिल रहा है, ये कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है कि 364 डेज वो तो मेक श्योर कर रहे हैं कि एटलीस्ट 52 संडेज आर देयर. रिमेनिंग टू डेज देयर आर 7 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर फॉर दिस रिमेनिंग टू डेज. आउट ऑफ दोस 7 पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल टू मी इज जब मुझे एक संडे और मिल जाए, तो 52 प्लस 1 53 संडेज हो जाएंगे. वो मुझे वो एक संडे यहां से और एक संडे यहां से मिल रहा है, ठीक है. सो माय आंसर इज फेवरेबल अपॉन टोटल. अब यहां पर टोटल कौन से हैं, ये जो 7 पॉसिबल आउटकम्स हैं ये टोटल वाले केसेस हैं, तो इसमें से फेवरेबल आर 2 आउट ऑफ 7. सो माय प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इज 2/7. राइट, आई एम प्लीज टू सी सो मेनी करेक्ट आंसर्स वर देयर, ठीक है, बट स्टिल 1/4 ऑफ द आंसर्स वर रॉन्ग. सो मनोल, यू हैव अंडरस्टूड? यस सर. ओके वेदांत, आपने कहा मिस्टेक की? वेदांत, ओके चलो लेट्स मूव अहेड इन दिस. सर मैंने सबसे पहले संडे और मंडे वाला ले लिया था. ओके आपने सिर्फ संडे मंडे वाला केस लिया और आपने ये सैटरडे एंड संडे वाला ये मिस कर दिया, है ना. यस सर. ओके लेकिन फिर बाद में आंसर दे दिया.
11, 12, all wrong. 13, 14, 15, 16. Okay, Raghuvanshi is super wrong. Okay, Amito is wrong. Wrong. Manoli is wrong. Riyana is wrong. First correct answer, Hanji, bilkul. Aryan Jangid. Very good. Congratulations, Aryan. Siddhant also has got it correct now. Impressive. Very good. And again, I am getting wrong answers now. Two correct answers. Let's see. You can send X, Y, Z any number of answers, beta. Aryaman Somi is saying one, which is wrong. And Prisha Nischay, it's wrong. Two correct answers till now. Let's see if I can get third and fourth also correct answer. Think on it. Daksh is wrong. Cannot be determined is a wrong answer. Zero is a wrong answer. Prathna, congratulations. So three correct answers now. And someone has given me three. Please, probability can never ever be more than one. And Devika, impressive Devika. So we have got four correct answers now. And all others are, I'm getting wrong. Let's see here. Please. Okay? हमने जो टू एक्स्ट्रा डेज हैं, ठीक है, वो टू एक्स्ट्रा डेज हमारे कैसे हो सकते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड सैटरडे संडे, ये हो सकते हैं. बट इट्स सेइंग दैट अ लीप ईयर इज हैविंग 53 संडेज. लीप ईयर में 53 संडेज तो है. अगर 53 संडेज है तो क्या ये एक पॉसिबल आउटकम था हमारा? ये तो है ही नहीं आउटकम हमारा. भाई वो बोर्ड है ना कि 53 संडेज है ऑलरेडी. 53 संडेज है तो 53 संडेज से रिलेटेड हमारे पास सिर्फ एक ये और एक ये केस बन रहा है. बस दैट्स इट. ओनली टू केसेस वी आर गेटिंग. दीज टू आर द टोटल पॉसिबल केसेस फुलफिलिंग आर रिक्वायरमेंट. हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है लीप ईयर है और लीप ईयर के अंदर 53 संडेज हैं. ये फुलफिल करने वाले हमारे टोटल केसेस हैं. तो टोटल केसेस जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं वो सिर्फ दो केसेस कहलाएंगे बेटा. सिर्फ ये दो केसेस हैं जहां पर लीप ईयर भी बन रहा है और 53 संडेज भी हैं. इन दो केसेस में वो पूछ रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज गॉट 53 मंडेज. तो 53 मंडेज इस केस में हमारा फुलफिल हो जाएगा. एंड माई आंसर इज फेवरेबल इज वन आउट ऑफ टोटल टू केसेस. है ना? अगर मैं कह रहा हूं कि बेटा लीप ईयर में 53 संडे है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 फ्राइडेज भी होंगे? ठीक है, तो 53 फ्राइडेज तो यहां पर है ही नहीं हमारे पास. तो 53 संडेज के साथ 53 फ्राइडेज दैट विल बी 0 आउट ऑफ 7. 0 है ना, और 0 यू विल से जस्ट, है ना, 0 आउट ऑफ 2 और 0. ये 1/2 समझ में आया सबको? And you agreed? Yes, sir. Okay. Okay. Let's take one more question here. In a leap year, find probability of having 53 Sundays or 53 Mondays. अभी यहाँ पर और की बात आ गई है. चैट बॉक्स में आंसर करेंगे. ठीक है. So this is 366 days are there. Which gives me 364 plus 2. This gives me 52 Sundays, 52 Mondays, and till 52 Saturdays. अब ये जो दो एक्स्ट्रा दिन हैं, they can be, please write your answer. Sunday, Monday. हाँ जी, वेरी गुड. ओके प्रिशा, आपने 3 आंसर भेजा है बेटा. डिनोमिनेटर आप भूल गए हो, मिस कर दिया आपने. ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1 है ना, उसका ध्यान रखेंगे. हाँ जी, वेरी गुड. सो आई एम गेटिंग 50% करेक्ट आंसर्स. एंड फर्स्ट करेक्ट आंसर वॉज बाय सचित एंड दक्ष. सॉरी, ऊपर में एडवे, कार्यन जांगीड, परिचय, अभिराज, रघुवंश. वेरी गुड.
Impressive. So many correct answers are there. Okay. Someone has not understood. और पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने इसका ही निकाल दिया था. Okay. चलो जी यहाँ पर एक बार पहले इसको देखते हैं फिर प्रीवियस क्वेश्चन एक बार फिर से हम विल चेक इट आउट. ठीक है. इन अ लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज और 53 मंडेज. और का मतलब है मुझे या तो टॉफी मिल जाए या चॉकलेट मिल जाए मैं बहुत खुश हूं. ठीक है. सो यहाँ पर बेटा मेरे को 52 संडेज एंड 52 मंडेज तो मिल चुके हैं है ना. इसका कोई काम नहीं है. ठीक है. आउट ऑफ दीज 7 केसेस एनी वेयर इफ आई गेट 1 एक्स्ट्रा संडे और 1 एक्स्ट्रा मंडे आई एम वेरी हैप्पी. तो मुझे यहाँ पर बेटा संडे मिल गया मंडे भी मिला आई एम नॉट बॉदर्ड टॉफी पे ही खुश है हम है ना. यहाँ पर मंडे मिल गया एक्स्ट्रा और यहाँ पर संडे मिल गया हमें एक्स्ट्रा. ठीक है. सो इन दीज 3 केसेस इट्स फेवरेबल टू अस इट विल मेक आइदर 53 संडेज और 53 मंडेज. सो माई आंसर इज 3 out of 7 दैट्स माई आंसर. ठीक है आर्यन. आर्यन कौशिक आपका 4/7 आया बेटा. फोर्थ कहां से लिया केस आपने? सर वो टाइपिंग कर रहा था. ओके सो टेक केयर नेक्स्ट टाइम. आई हैव अ डाउट. हां जी बोलो सर. अगर संडे 53 संडे और 53 मंडे बोला है तो संडे एंड मंडे वाला केस तो हम हटा देंगे ना? नहीं. ठीक है जब तक स्पेसिफाइड ना हो. ठीक है. अगर यहां पर देखो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईदर 53 संडेज और 53 मंडेज तो दोनों में हम खुश हैं ना. दोनों में से कोई भी आ जाए ये कहना चाह रहे हैं हम. ठीक है. यहाँ पर जो आप केस हटाने वाली बात कर रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा होना चाहिए बट नॉट बोथ. तो इस केस में सिर्फ आप हटाएंगे जहां पर स्पेसिफाइड है. ठीक है. सो 2/7 हो जाएगा ना. हाँ जी हाँ जी. दोनों हो रहे हैं वो फुलफिल नहीं वो एक्सेप्टेबल नहीं है. ओके सो लेट्स गो टू प्रीवियस क्वेश्चन अगेन. ठीक है. सो प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा इट सेज दैट इन अ लीप ईयर देयर आर 53 संडेज आर देयर. ठीक है. सो इन अ लीप ईयर की जगह अगर मैं बोलूं इन अ ईयर विद 2 एक्स्ट्रा डेज. ठीक है. अब हमारे जो टोटल केसेस होंगे वो टोटल केसेस कौन से होंगे जो गिवन क्वेश्चन की कंडीशंस को फुलफिल करेंगे. दोज आर माय टोटल केसेस इन अ लीप ईयर. इन अ लीप ईयर मींस ईयर विद 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज है ना. इन अ लीप ईयर का ये मतलब है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए हैविंग 53 संडेज. ठीक है. उसमें 53 संडेज भी होने चाहिए. ठीक है. ये जो कंडीशन फुलफिल करेगा दैट इज माय टोटल नंबर ऑफ केसेस. ये मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं. ठीक है. अब इन केसेस में ये जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं ये केसेस कौन से बन रहे हैं हमारे जो ग्रीन हाइलाइटेड है. ठीक है. ये ग्रीन हाइलाइटेड वो केस है जहां पर वी आर हैविंग 52 आर योर संडेज आर देयर ऑलरेडी है ना. ये तो हमारे पास पहले से ही थे. उसके बाद 53 संडे के लिए या तो ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल है. ठीक है. नाउ इट इज आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल ऑल्सो हैव 53 मंडेज. ठीक है. तो टोटल केसेस हमारे 7 नहीं रहेगा. टोटल केसेस हमारे जो है अगर सिर्फ लीप ईयर की बात होती तो हमारे पास 7 केसेस थे बट उसमें फिर आगे भी स्पेसिफाई कर रहा है having 53 Sundays. ठीक है. सो हमारे टोटल केसेस हैं दे विल रिड्यूस डाउन टू एज पर द गिवन क्वेश्चन दे विल रिड्यूस इट डाउन है ना. दे हैव रिड्यूस डाउन टू ओनली 2 केसेस. ठीक है. ओके सर. अगर देखो अगर है ना इफ आई एम सेइंग आउट ऑफ दिस प्रेजेंट बैच है ना यहाँ पर 65 स्टूडेंट्स हैं. सो आउट ऑफ 65 स्टूडेंट्स हाउ मेनी what's the probability that I have selected a randomly, I have selected a student randomly and that student is a girl child. ठीक है. So my answer is coming let's say 21/65. ठीक है. Now I am saying out of those 65 students, ठीक है, a student name starting with A is selected randomly. Out of 65 student
with a name starting from letter A is selected randomly, what's the probability that it's a girl student? अब आपके पास टोटल केसेस 65 नहीं है. नो. टोटल केसेस कौन से हैं? टोटल केसेस है स्टूडेंट्स विद नेम स्टार्टिंग फ्रॉम ए. दीज आर टोटल स्टूडेंट्स. और फेवरेबल कौन से हैं? जिनका ए से नाम स्टार्ट हो रहा है और गर्ल चाइल्ड है. ठीक है. सो हियर वी हैव गॉट अनन्या इज देयर, आरुषि इज देयर. ठीक है. सो माई आंसर विल बी 2 अपॉन students whose name is starting from A, you know, that is 9 students are there. ठीक है. So my answer will be 2/9. फिर वहाँ पर 65 का कोई role नहीं है. ठीक है. 21 का भी नहीं होगा. 21 का भी कोई role नहीं है भाई. 21 कौन है? 21 are total girl student. 65 कौन है? Total number of student. But अब question जो है वो students with name starting from A बोल रहा है वो, है ना? तो इसको सेटिस्फाई करते हुए जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो टोटल केसेस होंगे. यू आर फॉलोइंग दिस? ठीक है. टोटल केसेस हैज टू बी एज पर द स्पेसिफिकेशंस गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. अगर मैंने आपसे पूछा बेटा पहले जो 10 नेचुरल नंबर है, ठीक है, उनमें से मैंने एक नंबर सिलेक्ट किया वो प्राइम है, ठीक है, उसकी क्या चांसेस है? व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज प्राइम? बताओ आंसर क्या होगा फटाफट, स्पीक इट आउट. 3/10. नो, क्या कर रहे हो सचिन? 4/10. है ना? 4/10. सो माय आंसर इज 4/10, है ना? बट आई एम सेइंग इन द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो इवन नंबर्स है उनमें से कोई नंबर प्राइम होगा उसके चांसेस क्या हैं? तो पहले 10 नेचुरल नंबर में जो इवन नंबर हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इनमें से कोई प्राइम होगा. सो माय आंसर इज 1/5. इट वाज नॉट लिंक्ड विद दिस 10 और दिस 4. नो, इट्स नॉट लिंक्ड विद दैट एनीमोर. ठीक है. सो यू हैव टू गो एज पर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में जितना स्पेसिफाई करते जाएंगे उस हिसाब से हमारा टोटल केसेस बनेगा. राइट. चलो जी, आंसर दिस. यस सर, ये तो अभी करा था. हेलो, ये तो अभी करा था. नहीं किया था, ये अभी करा है सर. इसमें मंडे की वैल्यू चेंज है. 2 मंडेज है भाई. क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ो, क्या कर रहे हो? ठीक है, बहुत अच्छे से सोचो फिर करो, है ना? डोंट बी इन हरी, टेक योर टाइम. ठीक है. ओके, फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय प्रार्थना. Impressive Pratna. Too good. Others, take your time before you type, come to the conclusion. Anudeep, very good. Akshat is third correct answer. Edwick, Daksh. Too good. Otherwise, 1 is a wrong answer. ठीक है, 1 wrong answer है बेटा. I'm giving you some more time. Okay. A small hint. I've got, I think, around 10% students giving correct answer. And some of the student has given so many answers, so many attempts, but still wrong. ठीक है? Answer, you actually start thinking in other way.
माई आंसर विल बी वन माइनस अनएक्सेप्टेबल केसेस. ठीक है, एक्सेप्टेबल केसेस इज इक्वल टू वन माइनस अनएक्सेप्टेबल केसेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग. सो अनफेवरेबल केसेस चेक करो आप. हाँ जी हाँ जी, मनोल करेक्ट एंड अदर्स आर स्टिल रॉन्ग. सो आई हैव गॉट आई थिंक अराउंड 6 करेक्ट आंसर्स. सो आई लाइक टू वेट अ लिटिल बिट मोर. रियाना, दैट्स अ सिंपल कैलकुलेशन. सो 3/7 माइनस 1/7 इज 2/7 विच इज रॉन्ग आंसर. सचेत, 4/7 इज रॉन्ग. हाँ जी हाँ जी, अमितोज 5/7 is wrong. Trisha, 1/7 is wrong. So many answers I've already declared as wrong. Okay, let's solve it here. Last correct answer by Shreya. Impressive. Very good. Very good. Sachet, mic par aajao beta. Yes, sir. ठीक है. Find probability of having 53 Sundays होंगे, तो I am very happy. और 52 Mondays होंगे, then also I am very happy. दोनों yes. में से मुझे कुछ भी मिल जाए तो मैं खुश हूँ. ठीक है, एग्जैक्टली 52 मंडेज होने चाहिए या फिर 53 संडेज होने चाहिए. ठीक है, मुझे एक्सेप्टेबल कौन सा नहीं है, मुझे एक्सेप्टेबल वो नहीं है जहां पर 53 मंडेज हो जाए एंड 52 संडेज हो जाए, है ना. सिर्फ ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बाकी सब मुझे एक्सेप्टेबल हो जाएगा. ओके सर. ठीक है, कौन सा केस है जहां 53 मंडेज हो रहे हैं बेटा, कौन सा केस है जहां 53 मंडेज हो रहे हैं. व्हाट इज दिस केस? 53 मंडे मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, है ना. अनदर इज दिस केस. तो ये दोनों मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, बाकी सारे मुझे एक्सेप्टेबल हैं. ये पांचों के पांच मुझे एक्सेप्टेबल हैं यहां पर, क्योंकि मेरे पास 52 मंडेज रहेंगे बस. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 52 मंडेज वाला. ठीक है, 53 संडे, तो इस केस में मेरे पास 53 संडेज आ रहे हैं, तो क्या ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बीच में और लिखा हुआ है. और का मतलब है कि या तो ये या तो वो, या तो टॉफी या तो चॉकलेट. ठीक है, मैं यहां पर नाराज हो रहा था कि मेरे पास 53 मंडे हो गए, बट आई एम नाउ हैप्पी कि मेरे पास 53 संडेज हैं. सो दिस आल्सो विल बी एक्सेप्टेबल टू मी. व्हाई? बिकॉज इट हैज 53 संडेज. टॉफी नहीं मिली तो क्या हुआ, चॉकलेट से काम चला लिया हमने. तो ओनली वन केस इज अनएक्सेप्टेबल टू मी. Only in this case I am having 52 Sundays and 53 Mondays, you know, which is frustrating me. I am not happy with that outcome, right? So one outcome is unacceptable, rest all are acceptable. Out of 7, 6 are favorable and total are 7 cases. So my answer is 6/7. Okay. जिसमें Tuesday और Wednesday होगा वो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसमें 52 मंडे हैं. सर. हाँ जी सर, आप लीप ईयर में 366 को आप 364+2 क्यों ले रहे हो, एक बार समझा दो प्लीज. ओके, तो बेटा आपका देखो, अगर कोई ईयर जो है ना, फर्स्ट जैन को मान लो संडे था. ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका जो 29th दिसंबर होगा, है ना, दिस इज फर्स्ट जैन. उसके बाद जो 29th दिसंबर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका सैटरडे होगा. ठीक है, और यहां पर आपके पास जो है स्लॉट्स में ऐसे ऐसे करके 52 वीक्स आएंगे, 52 कंप्लीट वीक हो जाएंगे. अगर हमारा ईयर जो है, ठीक है, वो 29 दिसंबर के बाद फिर वापस शुरू होगा, तो 52 कंप्लीट वीक्स आर देयर ऑन ईच लीप ईयर. 29th दिसंबर पे आके जो है 52 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं हमारे. आपको समझ में आ रहा है वाला पार्ट भाई? अगर हमारा जो है, लेट्स से पूरा साल जो है वो 28 डेज का हो, फुल ईयर, तो क्या होगा, यहां पर 4 वीक्स हो गए या नहीं हो गए? यस सर. है ना, अगर 35 डेज का होगा तो कितने वीक्स हो जाएंगे? 5 वीक्स हो जाएंगे. 5 वीक्स का मतलब है 5 कंप्लीट वीक्स होंगे, एंड 101% उसमें 5 संडे होंगे, 5 मंडे, 5 ट्यूसडे, लाइक दैट. ठीक है, तो सेम वे 364 डेज,
इसमें आपके 52 वीक्स जो है वो कंप्लीट वीक्स हैं, ठीक है, थीके? तो साल के फर्स्ट 364 डेज मेक्स 52 कंप्लीट वीक्स, दैट मींस इट विल हैव 52 संडेस 52 मंडेस लाइक दैट। और लास्ट में जो 2 डेज बच गए वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा लकी फेलो होगा, लकी डे होगा जो 53 पे जंप करेगा। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। एनीवन एनी अदर डाउट? सर हम इसमें सर वो नहीं लेते ना अपना आर्ट्स वाला जो होता है वो कॉन्सेप्ट नहीं लेते? आर्ट्स वाला सर जो 6 आर्ट्स होता है पर ईयर? ना 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 ना, हेलो उतना मत घुसो इसमें भाई, ठीक है? ओके सर, लेट्स मूव। ओके, अ बैग कंटेन 2 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल आर विथड्रॉन are drawn at random from the bag. What is the probability that both the balls drawn are red? Hanji, very good Abhiraj. Impressive. It's a difficult question, you know. So first think it, calculate it, then write your answer. Siddhant, it's wrong. Nishchay wrong. Shreya wrong. I'm expecting maybe around only 5 correct answers. So think on it. It's all still wrong. Vanshika, Amito, Sanskriti, Uday, Rihanna, Siddhant. So till now only 1 correct answer. That's Abhiraj. Very good. Impressive. So still Bikramjit, Parichay. Not correct. Nishchay. Missed it. हर्षदीप, ओके, लेट्स सी हियर, ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी क्या चेंज करेगी अगर मैंने रेड बॉल पर जो है कुछ मार्क कर दिया, है ना? प्रोबेबिलिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज ना, रेड बॉल पे मैं 1, 2, 3 लिख दूं क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? स्टिल ऑल आंसर्स आर रॉन्ग एंड आई हैव गॉट वन यूनिक आंसर 1/8, आई विल बी इंटरेस्टेड टू नो ये 8 कहां से आया, ठीक है? सॉरी 1/6, ओके 1/6 इज ऑल्सो रॉन्ग, सॉरी 1/6 इज करेक्ट, वेरी गुड रिधि, दैट्स अ सेकंड करेक्ट आंसर, ओके नो मोर आंसर्स प्लीज, लेट्स सी हाउ 1/6 इज करेक्ट, हां जी हां जी, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, है ना, 2 करेक्ट आंसर्स, दैट्स बाय अभिराज एंड रिधि, वेरी गुड। सो लेट्स सी हियर, मैंने बेटा बॉल्स पे मार्क कर दिया 1, 2, 3, सो दिस इज R1 R2 B1 B2, व्हेन आई एम टेकिंग आउट 2 बॉल तो वो 2 बॉल्स का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, दैट्स R1 R2 बाहर निकाले मैंने, या R1 B1 या फिर R1 B2 और R2 B1 और R2 B2 और B1 B2, ठीक है? आउट ऑफ विच फेवरेबल इज ओनली वन दैट बोथ आर रेड, है ना? सो माय प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बोथ रेड विल बी, ये 6 पॉसिबल वेज में मैं बेटा सिलेक्ट कर सकता था, आई कुड हैव टेकन आउट दोस 2 बॉल, ठीक है, आउट ऑफ विच फेवरेबल इज ओनली 1, सो माय आंसर इज 1/6, 6 आर टोटल, 1 इज फेवरेबल। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, अगर इफ देयर आर 2 गर्ल स्टूडेंट्स आर देयर एंड 2 बॉयज आर देयर, आउट ऑफ विच आई हैव टू सिलेक्ट 2 स्टूडेंट्स, सिलेक्ट 2 स्टूडेंट्स randomly, I'm selecting or I'm picking from a bag, so I'm picking from the classroom now randomly, you know, what's the probability that both girls are selected for maths quiz, theek hai, agar random selection hai, theek hai, to aap combination banayenge, hai na, ki g1 g2 g1 b1 g1 b2 like that, so total 6 possible ways are there in which I could have selected those 2 students and both being girl, that probability will be 1 out of 6. And you agreed? Okay. Class kaank ho gai bhai? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good, very good. Ho, 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 ho. This is a dangerous question, hai na? Thoda sa carefully. Concepts sare 10th ki hai, beta. Thoda sa carefully solve karke answer nikalenge.
सर मैं सर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अगेंस्ट है ना. हाँ जी हाँ जी. फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय दक्ष. वेरी गुड दक्ष. अभिराज योर आंसर इज रॉन्ग. सिद्धांत करेक्ट. हर्षदीप इट्स रॉन्ग बट दैट्स अ यूनिक आंसर है ना. आई विल बी इंटरेस्टेड हाउ यू आर गेटिंग दैट आंसर. एंड तन्मी करेक्ट. अनिया डू इट अगेन. ओके लेट्स सी द सॉल्यूशन हियर. ठीक है आई विल कॉल लक्ष. लक्ष माइक पर आओ बेटा. यस सर. ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया विल नॉट विन. ठीक है सो प्रोबेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया विल विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया विल नॉट विन ये टोटल कितना होगा बेटा. वन वन. ठीक है सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ऑस्ट्रेलिया विल विन. वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया विल नॉट विन. ऑस्ट्रेलिया विल नॉट विन का मैच कितना दिया हुआ है हमें 0.7. सो 1 माइनस 0.7 सो प्रोबेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया विल विन इज 0.3. सेम वे प्रोबेबिलिटी इंडिया विल विन इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इंडिया विल नॉट विन सो दैट इज 0.4. हां जी एग्रीड एग्रीड. यस सर. भाई 1 में से 0.3 मैचेस वो ऑस्ट्रेलिया जीत गई. 0.4 मैच वो इंडिया जीत गई. बाकी मैच का क्या हुआ. That is no result. सिर्फ abandon हो सकता है या tie हो गया होगा सर. ठीक है so whatever is there but there is no result is there. ठीक है so we will say that probability India will win plus probability Australia will win plus probability no result. है ना दिस इज वन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रिजल्ट इज 1 माइनस 0.3 माइनस 0.4 दैट इज 0.3. ठीक है 30% इन ऑस्ट्रेलिया जीतती है 40% इंडिया इज विनिंग एंड रेस्ट देयर इज नो रिजल्ट. सो हां जी सर इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि सर प्रोबेबिलिटी दैट ऑस्ट्रेलिया विल नॉट विन प्लस प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल नॉट विन सर 0.7 प्लस 0.6 सर 1.3 आ गई. एंड सर कि दोनों के दोनों नहीं जीतेंगे उसकी 1 है तो 1.3 माइनस 1 दोनों के दोनों नहीं जीतेंगे. नहीं नहीं बेटा है ना इट्स कंफ्यूजिंग है ना. आई हैव टू चेक आउट व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग. ठीक है ओके सर. ओके लेट्स टेक सम अदर क्वेश्चन हियर. ओके अ नंबर इज विथड्रॉन फ्रॉम अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 00 टू 99. फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर हैज डिजिट 7 इन इट. ठीक है एक बॉक्स में 0 से लेकर 99 तक सारे नंबर्स हैं. हमने एक नंबर उसमें से रैंडमली सिलेक्ट किया है. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हैव अ डिजिट 7 इन इट. हां जी आर्यमन सोम करेक्ट एंड सिद्धांत रॉन्ग. गर्व इज रॉन्ग. लक्ष्य रॉन्ग. तन्वी रॉन्ग. सो मेनी स्टूडेंट्स आर रॉन्ग. अभिराज करेक्ट. वेरी गुड. Wrong. Okay, this is super wrong. Hello.
माइक टेस्टिंग प्लीज 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 वन मिनट स्टॉप सेंडिंग द आंसर स्टॉप सेंडिंग ठीक है सो मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग रॉन्ग लक्ष आप ही आओ बेटा माइक पर यस सर बेटा जीरो से लेकर 99 तक कितने नंबर हुए 99 वेरी गुड और 1 से लेकर 99 तक कितने नंबर होते हैं 98 होते हैं 1 से लेकर 99 तक आर यू श्योर 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग में अगर आपको बोलूं तो कितनी बार काउंट करोगे आप मिस्टेक समझ में आ रही है बेटा चलो मैं आप ही से बात करता हूँ ठीक है लक्ष्य अगर मैंने बेटा आपको बोला 1 से लेकर 2 तक कितने नंबर्स हैं बताओ 1 नंबर ओनली 1 नंबर 1 से लेकर 2 तक देयर इज नंबर 1 देयर इज नंबर 2 मैं इनके बीच में कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि इनके बीच में कितने नंबर है और नथिंग लाइक दैट है ना मैंने बोला 1 से लेकर 2 तक सब खड़े हो जाओ तो कितने बच्चे खड़े होंगे बेटा Two students will stand, na? Roll number 1, roll number 2. Yes, sir. You know? So, 1 se lekar 99 tak, of course, 99 numbers hain. Aur 0 se 99 tak, there are 100 numbers are there. You know? This mistake was done by Amito, Sanskriti, Shreya, Vanshika, Tanvi, Lakshmi. Haan ji, haan ji, haan ji. So, lot of correct answers. Actually, not lot of correct answers. Few correct answers are there. So, Hanji Diana, yours correct. Akshat is correct. Aryan, Kaushik is correct. Shaurya is correct. Amitoz is correct now. Okay, let's see here. ठीक है? बेटा कौन से numbers हैं जिनमें digit 7 होगी? So, of course, we have got 07. Then you have got 17, 27, and then you have got 67, 77, 87, 97. ये कितने नंबर्स हैं आपके दीज आर 10 नंबर्स आ दे अब राइट और फिर हम यहाँ लेफ्ट से भी प्रोसीड करेंगे ना वी हैव गॉट 70 71 सो ऑन देन 78 79 ठीक है ये कितने नंबर्स हैं ये भी 10 नंबर है बट 77 टू टाइम्स काउंट हो गया हमारा 97 टू टाइम्स काउंट हो गया है ना हाँ जी सो टोटल नंबर्स हैविंग अ डिजिट 7 इन इट आर 20 minus 1 that is 19 out of 100 so that's my probability mera bhi thi haan ji everyone understood this sir wo 77 wala samajh nahi aaya yes sir okay beta ye 100 jo numbers hai un 100 numbers mein se kitne numbers mein 7 aayega to aapne to pehle ye 10 number count kar liye na jinme 7 aayega hai na काउंट क्या किया आपने ये फेवरेबल नंबर है ये बॉक्स में से बाहर निकाल के रख दिए कि सर ये नंबर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इनमें 7 है फिर मैं आपसे कह रहा हूँ देख लो और कोई नंबर है जिनमें 7 हो वो भी आपको पसंद हो तो आपने ये वाले नंबर्स भी निकाले हाँ सर इनमें भी डिजिट 7 है तो ये जो ग्रीन वाले आपने निकाले वो कितने डिजिट निकाली है आपने बाहर 10 क्यों निकाली ये 77 तो पहले ही बाहर निकल चुका था यस सर सर 9 9 निकाले ना आपने बाहर सो टोटल बॉक्स से बाहर आपने कितने नंबर निकाले जो आपको बहुत पसंद है बिकॉज 7 इज देयर टोटल नंबर यू हैव टेकन आउट इज 19 ओके सर सर मैंने उसको यूनिट डिजिट संभाल लिया था यूनिट डिजिट 7 हाँ तो ये सभी मिस्टेक करते हैं आप अकेले नहीं थे आधी दुनिया आपके साथ थी ये लो जी है ना दिस क्वेश्चन इज शाउटिंग एट आवर फेस Life is not easy. The number is withdrawn from the box. From 0 to 99. Find probability that the number has digit 7 in it. अभी हमारे पास 100 नहीं है, 1000 numbers हैं. ठीक है लेट्स सी हियर है ना कैसे सॉल्व कैसे करना है इसको ना ट्राई भी मत करो ठीक है देख लेते हैं बेटा जैसे आपने वो अगर किया हो ना कि डाइस वाला जो केस होता है ना
अगर हमने दो डाइस थ्रो किए तो टोटल आउटकम कितने होते हैं बता दो? 36. अगर तीन थ्रो किए तो 216. चार किए तो ये आउटकम हो जाएंगे, है ना? एग्रीड. अब अगर मान लो डाइस पर जो है आपके पास 6 की जगह 10 फेसेस हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये आपके डाइस के आउटकम हो गए एक तरीके से. 0 से लेकर 9 तक डाइस पे आपके जो है आउटकम्स लिखे हुए थे, है ना, 0 से लेकर 9 तक. 1 से लेकर 6 तक होता है ना डाइस पे. अब यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक लिखे हुए थे आउटकम, तो टोटल आउटकम कितने हो गए डाइस पे? 10 × 10 × 10, ये आउटकम्स हो गए आपके, है ना. टोटल हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1000 नंबर्स आर देयर, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ योर इवेंट इज टोटल अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल. अब फेवरेबल देख लेते हैं, डिजिट 7 होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज योर फेवरेबल. अगर मैं डिजिट 7 हटाई दूं, अगर मैंने डिजिट 7 हटा दी, तो अब डाइस पर कितनी डिजिट्स रह गई लिखी हुई? कितनी डिजिट्स है भाई? 9 डिजिट्स है. अब वो 9 फेस वाला स्पेशल डाइस है मेरा, है ना, उस पे मैं जब भी थ्रो कर रहा हूं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 सिर्फ यही डिजिट्स आ सकती हैं. तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे सचित उसमें? 9 क्यूब. टोटल आउटकम्स विदाउट सेवन दिस इज 9 × 9 × 9, ठीक है. सो माय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, ठीक है, 1 माइनस, ठीक है. इवेंट नॉट हैपनिंग इज व्हेन 7 इज नॉट कमिंग, दैट इज 9 × 9 × 9 अपॉन टोटल इज 1000. सो दिस इज 1000 − 729 अपॉन 1000, ठीक है. सो माय आंसर इज 271 अपॉन 1000. दैट्स माय आंसर. 271 नंबर्स आर देयर व्हिच विल हैव अ डिजिट 7 इन इट. अगर यही लॉजिक आप प्रीवियस केस में लगाएंगे तो प्रीवियस केस में भी एग्जैक्टली सेम थिंग ही हो रही थी हमारी, है ना. सो प्रीवियस केस में हमारे पास टोटल आउटकम कितने थे? 100 थे, ठीक है. और उन 100 में से 10 × 10 में से हम कौन से माइनस कर रहे हैं? अगर हमारे पास 7 है ही नहीं, डिजिट 7 थी नहीं हमारे पास, तो 10 × 10 करके थोड़ा डिजिट्स बनेंगी, फिर हमारे पास 9 × 9 करके डिजिट्स बन जाएंगी. तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? दिस इज 19/100. राइट, एग्रीड? वो वाले हमें ढूंढ रहे थे, ठीक है. एक बार वापस देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 0 से लेकर 9 तक बेटा कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं, ठीक है. इनसे कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे? कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे? You will say, पहला डाइस उसमें 10 possible outcome. So total कितने numbers बन रहे हैं? 1000 numbers आ दिया. ये 1000 numbers कौन से हैं? 0000001 से लेकर 998999. ये 1000 numbers बन रहे हैं हमारे, ठीक है. अगर खुदा ना खास्ता हमारी फिंगर्स जो है वो एलियंस की तरह हो, है ना, अगर 0 से लेकर मतलब 4 fingers in one hand, 4 in other hand, तो 0 से लेकर 7 तक ही डिजिट्स होती हैं हमारी. फिर हम काउंट कर रहे होते 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है. 8 और 9 है ही नहीं. तो अगर हम 10 डिजिट्स की जगह पर अगर हम अपनी काउंटिंग में सिर्फ 8 ही डिजिट्स यूज कर रहे होते, है ना, तो हमारे कितने नंबर बनेंगे? तो हमारे 3 डिजिट नंबर कितने हो जाते बेटा? 3 डिजिट नंबर्स, दोस वुड हैव बीन 8 × 8 × 8, दैट इज व्हाट, 512. ये 512 कौन से नंबर हैं? कौन से नंबर हैं जिनमें डिजिट 8 और डिजिट 9 जो है ही नहीं हमारी? नो 8 और 9. एग्रीड? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बाकी जो हमारे 488 नंबर्स हैं, ठीक है, इनमें 8 और 9 विल
बी देयर, एट और नाइन जरूर से जरूर होगा। हाँ जी समझ में आ रहा है? अरे एट डिजिट कैसे आया? ना ना मैं एक और एग्जांपल लेकर कर रहा था बेटा, ठीक है? चलो इसी क्वेश्चन को फिर से वापस एक बार देख लेते हैं, ठीक है? ओके, ये थाउजेंड तो क्लियर है, टोटल हमारे नंबर्स थाउजेंड है, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि डिजिट सेवन जो है वो खत्म हो गई है, एलिमिनेट हो गई है। अगर डिजिट सेवन एलिमिनेट हो गई है तो हमारे पास सिर्फ नौ डिजिट बचेंगी, और नौ डिजिट से आप थ्री डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे आपके, नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन। ये कौन से वो नंबर्स हैं जिनमें सेवन इज नॉट देयर, ठीक है? सेवन इज यूज्ड, ठीक है? मैं कह रहा हूं ये जो 729 नंबर्स हैं इनमें कोई भी सेवन यूज नहीं हुआ है। अगर इनमें कोई भी सेवन यूज नहीं हुआ है तो इसका क्या मतलब है, जो बाकी के हमारे 271 नंबर्स हैं, ठीक है, इनके अंदर कोई एक सेवन होगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, राइट राइट, एग्रीड ऑन दिस? सर आपने वो नंबर्स कैसे फाइंड किए जिसमें सेवन नहीं है? नहीं है, हाँ जी, वो नंबर मैंने कैसे फाइंड किए, तो मैं कह रहा हूं अगर सेवन नहीं है तो मेरे पास जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, पहले मेरे पास टेन डिजिट थी, तो टेन डिजिट्स में मेरे पास टेन इंटू टेन इंटू टेन इतने नंबर्स बन सकते थे, ठीक है? और आपने जैसी कंडीशन लगा दी कि सर सेवन आप यूज नहीं कर सकते, अब मेरे पास कितनी डिजिट बची है, नाइन। इन नाइन डिजिट से मैं कितने नंबर बना सकता हूं, नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन। तो बिना सेवन के कितने नंबर बने मेरे पास बेटा, 729, और 7 के साथ कितने थे, 1000। तो ये जो 271 numbers हैं, this will have at least one seven in them. हाँ जी, agreed? Sir? हाँ जी? Sir, हम simply ऐसे नहीं कर सकते कि 1 to 100, 19 seven digits वाले numbers थे? हाँ जी? तो sir, वैसे 10, 19 to 10 कर देंगे उसको। ओके, इनटू 10 कर देंगे, ठीक है? सो दिस इज 200 ही सेइंग, सॉरी 101 टू 200 ही सेइंग विल हैव 19 अगेन, ठीक है? तो सेम वे में आपका अगर 700 वाला आप भूल जाओ, 700 को हम नहीं लेते हैं अभी, ठीक है, सिर्फ इस वाले को भूल जाओ, तो बाकी आपका कौन सा आ रहा है, 900 से लेकर 999 तक, है ना, इसमें भी 19 होंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 19 इंटू 9, ठीक है? ये जितने भी 100 के स्लॉट्स आ रहे हैं तो इसमें आपको 19 सेवंस मिल रहे हैं, है ना, 19 नंबर्स विद अ सेवन इन इट, तो 19 इंटू 9 प्लस प्लस किसको करेंगे हम, यहां पर इस स्लॉट में सेवन से तो सीरीज स्टार्ट ही हो रही है हमारी, तो हर नंबर में सेवन है यहां पर, सो प्लस 100 यू विल डू, ठीक है? सो दिस इज 171 प्लस 100, टोटल 271 नंबर्स आ गया विद अ सेवन इन इट। गुड वन एडविक, एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट एडविक इज सेइंग? यस सर, यस सर, वेरी गुड। ओके, लेट्स सी दिस, अ नंबर इज विड्रॉन फ्रॉम अ बॉक्स From 1 to 1000, find probability it's a perfect square or a perfect cube. 1 से लेकर 1000 तक कितने perfect square होते हैं बेटा? 10, 25, and, hello, 31, ठीक है? 1 square is 1 and 31 square is 961. So total 31 numbers are there, which are 31 numbers are perfect square. And 1 से लेकर 1000 तक perfect cube कितने हैं? 10. 1 cube से 10 cube. That is 10 perfect cube. चलो जी, फटाफट answer बताएंगे. Answer कितना होगा? Either perfect square or perfect cube. हाँ जी, लक्ष्य wrong, सिद्धांत wrong.
of course life is not that easy that you will do 31 plus 10 which is 41. No. And Abhiraj wrong, Daksh wrong. Still no correct answer. No. It is super wrong. Total 1000 numbers है आपका by 999 तो आ ही नहीं सकता है बेटा. ठीक है. Please simplify form में नहीं लिखेंगे रघुवंश by 1000 करके ही देना है answer. ठीक है. Still all correct. First correct answer Vedant followed by Abhiraj. Very good. Two correct answers. And wrong. And still wrong. Okay. Let's see here. ठीक है. Edwick आपका तो कुछ अलग ही आंसर आ रहा है बेटा. रघुवंश ने बाय 1000 की जगह बाय 100 कर दिया है. तो वो जीरो मिस हो गया. हाँ जी. But still it's wrong. Okay. Two correct answers. Vedant and Abhiraj. Let's call Abhiraj. हाँ जी भाई कैसे किया आपने? सर हम अब वो नंबर माइनस करेंगे जो जो दो बार काउंट हो गए हैं. yes, है ना. अभिराज कह रहा है कि सर वैसे तो 41 बाय 1000 होना चाहिए था बट यहाँ पर जो है हो सकता है कोई नंबर यहाँ भी काउंट हो गया और यहाँ भी काउंट हो गया है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने तो नंबर वन देखा कि वो दोनों जगह काउंट हो गया है. ठीक है. अभिराज को लेकिन दो नंबर और मिले हैं. कौन से नंबर बेटा? सर 2 and 3. आई मीन 2 का 2 रेज़ टू द पावर 6 एंड 3 रेज़ टू द पावर 6. वेरी गुड. इंप्रेसिव. ही सेइंग कि सर जो पावर 6 वाले नंबर्स हैं है ना. सो 2 रेज़ टू पावर 6 और 3 रेज़ टू पावर 6. ठीक है. ये जो नंबर हैं ये स्क्वायर में काउंट हो रहे हैं. स्क्वायर में कैसे काउंट हो रहे हैं? दीज आर 2 क्यूब का स्क्वायर एंड 3 क्यूब का स्क्वायर. और क्यूब वाले में भी ये काउंट हो गए 2 स्क्वायर का क्यूब दैट इज 4 क्यूब जो हमने लिया है एंड 3 स्क्वायर का क्यूब दैट इज 9 क्यूब. ठीक है. ये भी हमने लिया हुआ है यहाँ पर. तो बेसिकली 9 क्यूब एंड 27 स्क्वायर आर सेम. 4 क्यूब एंड 8 स्क्वायर आर सेम. ये नंबर हमारे सेम थे बेटा जो हमने दो दो बार काउंट कर लिए. इसको स्क्वायर में किया इसको क्यूब में किया जबकि दोनों आंसर सेम दे रहे थे. इसको हमने स्क्वायर में किया इसको क्यूब में बोथ आर 729. तो ये तीन नंबर जो है वो दो बार काउंट हो गए. ठीक है. सो इसीलिए माई आंसर विल बी 41 माइनस 3 बाय 1000 दैट इज 38 बाय 1000. हाँ जी एग्रीड ऑन दिस. नंबर कैसे सिलेक्ट करें एक बार समझा दो. ओके. नंबर बेटा मेरे फेवरेबल कौन से थे? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन टिल 31 स्क्वायर. और क्यूबिक में 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब सो ऑन टिल 10 क्यूब. ये मेरे फेवरेबल नंबर्स थे. इनमें मुझे चेक करना है. क्या चेक करना है? नंबर जो दोनों में काउंट हो गए हैं है ना वो नंबर्स मुझे अवॉइड करने हैं. तो मेरा आंसर मेरे फेवरेबल जो है वो 31 प्लस 10 नहीं है क्योंकि कुछ नंबर दो दो बार काउंट किए हैं है ना. कौन से नंबर दो दो बार काउंट हुए हैं वो हमें चेक करना है. यहां तक क्लियर है आपको? यस सर. वो जो नंबर है वो नंबर जो है बेटा वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और वो एक परफेक्ट क्यूब भी होगा. अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर है ना एंड ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब दैट मीन्स दैट नंबर हैज टू बी इन फॉर्म ऑफ ए रेज टू पावर 6. ठीक है. ए रेज टू पावर 6 क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी ये इसका स्क्वायर है. क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? हाँ जी ये इसका क्यूब है. ठीक है. अब हम चेक करेंगे 1 रेज टू पावर 6 ये तो दो बार काउंट हो ही गया हमारा है ना. सो एंड दिस इज ऑल्सो काउंटेड एज दिस. नाउ 2 रेज टू पावर 6 क्या ये दो बार काउंट हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ होगा. 2 रेज टू पावर 6 64 है ये 1000 से छोटा है. 2 रेज टू पावर 6 को जो है मैंने कैसे लिया है? मैंने उसको 8 का स्क्वायर भी लिया है और साथ में मैंने उसको 4 का क्यूब. तो यहां पर जो 4 क्यूब है और यहां जो 8 स्क्वायर है वो दो दो बार काउंट हो गए हैं बेसिकली है ना. अंडरस्टूड. नेक्स्ट नंबर आई विल चेक इज 3 रेज टू पावर 6.
ये भी 1000 से छोटा है, 729 है ये, तो ये भी दो बार काउंट हुआ है. एक बार जो है दिस इज काउंटेड एज 27 का स्क्वायर एंड वंस आई हैव काउंटेड एज 9 का क्यूब. ओके सर. राइट, सो माय आंसर इज 38/1000. ओके, फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड with full set of 52 cards, one card is drawn. Find probability that the card drawn is either a king or a red card. है ना? ये यहाँ पर एक बार देख लेते हैं खुद. So either or means मैं दोनों वे में खुश हूँ, या तो king आ जाए या फिर red card आ जाए. ठीक है? So मेरे पास बेटा कितने red cards हैं? I have got 26 red card. है ना? मैं favorable count कर रहा हूँ. कितने king होते हैं? I have got 4 kings are there. है ना? बट माइनस कौन से करने हैं जो टू टाइम्स काउंट हो गए हैं? टू टाइम्स कौन से काउंट हुए हैं? जो किंग तो थे ही साथ में रेड भी थे. ये वाले कार्ड्स दो बार काउंट हो गए हैं मेरे. ठीक है, तो फेवरेबल आर 26 माइनस प्लस 4 माइनस 2. ठीक है, दीज आर माय फेवरेबल. मैं आपको प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, एग्जाम में आएगा तो प्लीज, है ना, आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करने की कौन कौन से डबल काउंट हो गए हैं. ठीक है, सो यू विल बेसिकली से फेवरेबल आर king, sorry, favorable are red plus king minus red and king. ठीक है, so like that you will write down. So red are 26, kings are 4, red and king are 2. So this favorable are 28 and probability of event happening is favorable upon total. इसको आप simplify कर सकते हैं. हाँ जी, agreed? Okay, let's take one question from this. Chalo ji, answer this. I am expecting easy question hai. Still 5 mistake. Kahan par? Casual mistake. Not conceptual, but casual mistake. Let's see if you can avoid this casual mistake. Haan ji, correct, correct. Abhiraj, Edwig, Siddhant. Laksh. परिचय, तक्ष, आदित्य, ऑल करेक्ट. आई थिंक आई एम गोइंग टू लूज नाउ. हाँ जी, करेक्ट करेक्ट. सचेत, डिनोमिनेटर में क्या लिखा बेटा आपने? हाँ जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. शौर्य, दैट सेकंड मिस्टेक. ओके, थ्री मोर आई एम लुकिंग. रिधि इज थर्ड. And rest all are correct, correct. Okay, so we have got only 3 mistakes. So teacher is going to lose here in this case. So your favorable are red cards, but not kings, you know. So red minus red king, that is your favorable. Red are 26, red kings are 2. So this becomes 24. And probability of event happening is favorable upon total. This is my answer. Right? Okay. These are few questions on coin. Okay. So, beta questions on 2 coins, 3 coins, you know, those we have taken. You can just watch the video which is there on the group. So let's take concept wise. I'm seeing 5 coins are tossed together. Find probability of getting no tail. Find probability of getting no tail. So pehle to total outcomes kitne honge beta? Right. Hanji? 125. Total outcomes are not 125. 32. 32. 2 raised to power 5. One event is having 2 outcomes, so total outcomes are 2 into 2 into 2 into 2 into 2, so that is 32 are there. Having no tail, no tail ka matlab kya ho gaya beta? All heads, aur all heads kitne way mein aa sakte hain? 1 2 3 4 5. Theek hai, so probability of event happening is favorable is 1, that is all heads upon 32. Theek hai,
So I'm going to take one or two questions, and I'm not asking you because few students have got doubts related to at least and at most words, you know, इनसे related doubts हैं कुछ के. So find probability of getting at least one tail, ठीक है? कम से कम एक tail होना चाहिए, ठीक है? So let's ask, चलो सचित, बेटा एक tail आया तो मैं खुश हूँ या नहीं? Yes sir. I'm happy. Or what about four tail? Yes sir. And all tails? Yes. So when I'm not happy? When all are heads. All are heads. So not favorable. Not favorable is all heads. और ये कितने वे में आ सकता है बेटा all head? एक ही वे में. Only one way में. ठीक है? So probability of event happening is 1 minus probability of event not happening. ठीक है? So this is 1 minus 1 upon 32. At least one tail. That is 31 by 32. हाँ जी चेक करें इफ थिंग्स आर क्लियर. ठीक है, एट लीस्ट वन टेल का मतलब है नॉट फेवरेबल इज व्हेन ऑल हेड्स आर देयर. तो अगर मैं ऑल हेड्स वाला केस हटा दूं तो बाकी 31 केसेस जो हैं वो सब मुझे एक्सेप्टेबल हैं बिकॉज दे विल हैव एट लीस्ट वन टेल इन देम. हाँ जी वेरी गुड, आई हैव गॉट सो मेनी करेक्ट आंसर्स ऑन चैट बॉक्स. ओके वन मोर है ना, दिस आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर ओनली. एट मोस्ट वन टेल, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वन टेल पर आई एम हैप्पी. तो मेरे पास बेटा ये जो पांच आउटकम है, ठीक है, इन पांच आउटकम में व्हेन आई एम मोस्ट हैप्पी व्हेन ऑल ऑफ देम आर हेड. ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम लिमिटेशन टेल की मेरे पास सिर्फ वन है. ठीक है, वो टेल यहां पर आ सकता है, बाकी सारे हेड. टेल यहां पर आएगा बाकी हेड्स हो जाएंगे, टेल यहां पर आएगा और बाकी हमारे हेड्स हो जाएंगे. वो टेल यहां पर भी आ सकता है और वो टेल यहां पर भी आ सकता है. तो कितने फेवरेबल केसेस हो गए बेटा मेरे पास? वन इज व्हेन ऑल हेड्स आर देयर एंड फाइव इज व्हेन ओनली वन टेल इज देयर. सो माय फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस आर सिक्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज माय आंसर. हाँ जी प्लीज चेक इफ एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन. हाँ जी हाँ जी. ओके बेटा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन टेल, ठीक है, अगर मैं एट मोस्ट वन टेल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि आप जब कॉइन टॉस कर रहे हैं और उसमें अगर मैक्सिमम वन टेल आया तो आई एम हैप्पी, अगर टू टेल्स आ गए तो आई एम वेरी एंग्री, आई एम अपसेट, यू नो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट. सो व्हेन फाइव कॉइंस आर टॉस्ड, सो आई एम हैप्पी इफ ऑल हेड्स आर देयर, देन आई एम हैप्पी. और मैक्सिमम वन टेल का मतलब है जीरो टेल और वन टेल. तो यहां पर तो जीरो टेल हो गया और यहां पर वन टेल हो गया. वन टेल मेरे पास कब आ सकता है बेटा, है ना, मैं पांच कॉइन अगर टॉस कर रहा हूं so I can get one tail here and rest of them will be head, or I can get head first then tail then I am getting heads, or head head tail head head, or head 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 tail and head. So one tail मेरे पास कितने ways में आ सकता है कि चार heads हो और one tail हो, that I can get in five ways, and one way is when all heads are there. ठीक है, so out of 32 I am happy in these six cases, जब सारे head हैं या सिर्फ one tail आया, and that's what's giving me my probability 36 by 32. Okay sir, thank you. So इसमें सारे head वाला cases count होगा ना? हाँ जी बिल्कुल होगा, all heads will be counted. ठीक है, अगर यहां पर मैं एटमोस्ट की जगह पर बेटा एग्जैक्टली लिख देता हूं तो मेरा आंसर क्या होगा? हां जी स्पीक आउट प्लीज. 5/32. 5/32 फिर वो ऑल हेड वाला हमारा काउंट नहीं होगा.
ओके सर. Four different coins are tossed randomly. Find probability of getting two head and two tails. Four different coins. Total outcome कितने होंगे बेटा? Six. 16. Very good. चलो chat box में answer type करेंगे. Two heads and two tails. हाँ जी अभिराज करेक्ट. रेस्ट आर रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. बेटा प्लीज डोंट सिंप्लीफाई योर आंसर. यू नो दक्ष करेक्ट. वेरी गुड. टू करेक्ट आंसर्स एंड रेस्ट आर रॉन्ग रॉन्ग. इट्स स्टिल रॉन्ग. गर्व करेक्ट. थ्री करेक्ट. वेरी गुड वेरी गुड. फोर इज निश्चय. सॉरी निश्चय इट्स योर योर्स इज रॉन्ग. एंड थ्री करेक्ट आंसर्स. Still three. Okay, let's see here. ठीक है ना? आपके पास देखो head, head, tail, tail. इसमें आपको favorable देखने हैं कि कितने favorable ways बन सकते हैं. जितने way में आप इसको arrange करेंगे उतने favorable हो जाएंगे, है ना? पहले आप head को अपना fix कर लें. अगर आपने head को fix कर लिया, उसके बाद आप ये वाला जो second number का head है, ये कहाँ जाएगा? ये आगे खिसक जाएगा, है ना? ये एक और case हो गया. ये और आगे खिसका तो आपके पास ये एक और केस आ गया. ठीक है, ये कौन से केस से? जब आपका टॉस है वो हेड से स्टार्ट हो रहा था. एग्जैक्टली अब केस कौन से बनेंगे अगर ये टेल से स्टार्ट हो रहा है तो? ठीक है, टेल, देन आई एम कीपिंग हेड, हेड एंड टेल. ठीक है, अब टेल हेड ये वाला नेक्स्ट पे पहुंच गया तो टेल एंड हेड. ठीक है, ये कौन से केस है जब वो टेल से स्टार्ट हो रहा था? नेक्स्ट हम लेंगे जब टेल एंड टेल से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज हेड एंड हेड इज देयर. सो टोटल सिक्स केसेस आ देयर. ठीक है, थ्री केसेस जब हेड से स्टार्ट हो रहा है तो वैसे ही थ्री केसेस बनेंगे जब टेल से स्टार्ट हो रहा है. टोटल सिक्स फेवरेबल आर देयर आउट ऑफ 16. सो आंसर इज 6/16. हाँ जी हाँ जी. प्रार्थना प्लीज सेंड इट प्राइवेटली ओनली. Okay, this is on at most. Okay, solve this one, please. So first toss मतलब कि पहला coin जब toss करेंगे? हाँ जी, पहले coin पे जो है वो head आना चाहिए. What's the probability? Very good, Abhiraj. सिद्धांत इज रॉन्ग. आनंद करेक्ट. मनोल करेक्ट. एडविक करेक्ट. प्रांतिक, वेदांत, परिचय, शौर्य, इम्प्रेसिव. वेरी गुड, सभी का करेक्ट आ रहा है. ठीक है, निश्चय इज रॉन्ग. लक्ष्य इज रॉन्ग. ओके, देवांशी इज रॉन्ग. बेटा पांच कॉइन आपने टॉस किए हैं. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट टॉस. तो बेटा सिर्फ फर्स्ट टॉस की तो बात हो रही है यहाँ पर, बाकी आगे चार जो बार टॉस कर रहे हैं उसे में मतलब ही नहीं है. फर्स्ट टॉस में जो है हेड आ जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो फर्स्ट टॉस में जो मैंने पहली बार टॉस किया, ठीक है, उसमें आधी बार हेड आएगा और आधी बार टेल आएगा. तो फर्स्ट टॉस में हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2. डजंट मैटर ना, आगे आप चार बार, पांच बार, दस बार, जितनी बार भी टॉस करो डजंट मैटर. फर्स्ट टॉस में हेड आएगा, दैट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/2. ठीक है, someone has got 1/32, Daksha has got 31/32. ठीक है, so be careful on this. Language पे ध्यान देंगे. Okay, इसको छोड़ देते हैं. Five different coins are tossed randomly. Find the probability of getting more heads than tails. Advik is saying zero. तो बेटा यहाँ chance है कि सारे के सारे head आ जाएं, या चार हेड आ जाएं या तीन हेड आ जाएं, तो दैट टाइम हेड इज मोर देन टेल्स. हाँ जी, परिचय करेक्ट. सिद्धांत रॉन्ग. लक्ष्य रॉन्ग. गर्व इट्स रॉन्ग. शौर्य रॉन्ग. अभिराज करेक्ट.
रघुवंश रॉन्ग, मनोल रॉन्ग। हाँ जी अभिराज कैसे किया बेटा आपने वेदांत करेक्ट? सर जितनी बार हेड टेल से ज्यादा होगा सेम टेल्स भी हेड से ज्यादा होगा तो मतलब इक्वल होगा। वेरी गुड भाई, हेड और टेल में हमने कोई पार्शियलिटी नहीं की है ना, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो जितनी बार हेड ज्यादा आएगा उतनी ही बार टेल भी हेड से ज्यादा आएगा। दैट मींस टू से इस आधी बार जो है हेड टेल से ज्यादा आएगा और बाकी आधी बार टेल हेड से ज्यादा आएगा, बिकॉज दे आर नॉट बींग डिस्क्रिमिनेटेड एट ऑल, इट्स अ फेयर कॉइन इज देयर। ठीक है, अगर हेड जो है वो ज्यादा आ रहा है, हेड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो देन इट्स नॉट अ फेयर कॉइन, फिर वो फेयर कॉइन है ही नहीं हमारा, है ना? बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। हाफ ऑफ टाइम हेड विल बी मोर देन टेल्स एंड रिमेनिंग हाफ टेल विल बी मोर देन हेड्स। हाँ जी अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ओके, अ पर्सन हैज थ्री किड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज एटलीस्ट वन डॉटर। परिचय इज रॉन्ग, देवांशी इज रॉन्ग, सिद्धांत रॉन्ग, अभिराज रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग। फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय आर्यन जांगीड, वेरी गुड। एंड सचित रॉन्ग, सचित डिनोमिनेटर चेक करो। दक्ष इज सेकेंड करेक्ट आंसर, लक्ष टंडन इज थर्ड, एडविक इज रॉन्ग बेटा, रेस्ट ऑल इट्स कमिंग रॉन्ग। हेलो हेलो हेलो, ये क्वेश्चन बेटा एग्जैक्टली सेम है। हाँ जी सचित करेक्ट, जो हमने हेड और टेल का किया है ना, अगर हमने थ्री कॉइन्स को टॉस किया है बेटा तो हमारे आउटकम कैसे हो सकते हैं, हेड या टेल, हेड के बाद आपके पास हेड या टेल, दैट इज सेकेंड टॉस, सेकेंड टॉस में हेड या टेल, थर्ड टॉस में दिस इज हेड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। ठीक है, एग्जैक्टली सेम वे में आप जब यू नो थ्री किड्स आर देयर तो गॉड इज टॉसिंग अ कॉइन, है ना, हेड पर जो है आपका बॉय है, टेल पर गर्ल है। ठीक है, सो अगर थ्री किड्स आर देयर, so first kid can either be girl or a boy, second kid in this case will be girl or boy, you know this is girl or boy, to ye aapke jo cases ban rahe hain that will be boy 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 or boy boy girl, boy girl boy or boy girl girl, you know, and then will be girl boy boy, girl boy girl, this is girl girl boy and girl girl girl. अगर three coins है, what's the probability that three coins are tossed, है ना, total outcome कितने हो जाएंगे बेटा, total outcome will be eight. same way three kids are there, three kids, total outcome कितने हो जाएंगे, eight. ठीक है, अब यहाँ पर not favorable कौन से हैं, not favorable, not favorable is when all head are there, है ना, एटलीस्ट वन टेल में नॉट फेवरेबल इज वेन ऑल हेड्स आर देयर, नॉट फेवरेबल आर वन, तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आर एट माइनस वन और सेवन, थ्री किड्स हैं, ठीक है, सो ऑल बॉयज नॉट फेवरेबल कौन से होंगे, वेन ऑल बॉयज आर देयर, ठीक है, सो नॉट फेवरेबल, नॉट फेवरेबल, फेवरेबल है एटलीस्ट वन डॉटर, नॉट फेवरेबल इज वेन देयर इज नो डॉटर, नो डॉटर मीन्स ऑल son are there, so all boys are there, that is not favorable. All boys कितने way में हो सकते हैं, only one way is there, so favorable कितने हो गए हमारे पास, 8 minus 1, ठीक है, so my answer is what, 7 by 8. हाँ जी हाँ जी, very good. पर हम इसमें ये थोड़ी ना लेंगे कि गर्ल बॉय से एल्डर है या फिर यंगर सिस्टर है, मतलब बिल्कुल लेंगे,
जब थ्री किड्स हो रहे हैं बेटा आपके, जैसे कॉइन टॉस हो रहा है तो पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, है ना, आप उसको मैटर कर रहे हैं ना, पहला कॉइन पे हेड है या दूसरे पे हेड है या तीसरे पे हेड है, तो यहाँ पर मैटर करेगा कि पहला जो किड है वो बॉय है या गर्ल है, दूसरा बॉय या गर्ल, तीसरा बॉय या गर्ल, ठीक है? ओके सर। तो अगर आप कोई भी एट फैमिलीज लेते हैं बेटा, है ना, उन एट फैमिलीज, कौन सी एट फैमिलीज, जिनके थ्री किड्स है, ठीक है, जिनके थ्री किड्स है, तो वो आपने 80 फैमिलीज लेट से आपने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, उन 80 फैमिलीज में से 10 फैमिलीज विल हैव बॉय बॉय बॉय, 10 फैमिलीज विल हैव टू बॉयज विच आर एल्डर एंड वन गर्ल, है ना, यंगेस्ट वन इज गर्ल, एंड 10 फैमिलीज विल हैव दिस केसेस, दिस आर 10 फैमिलीज, 10 फैमिलीज, 10 फैमिलीज, 10 फैमिलीज एंड 10 फैमिलीज. Understood? That's what probability is saying. So out of 80 families, only 10 families will have all girls. Right, right? Okay, class is for 5 minutes more. Okay, let's see this question. Chalo, last question for the day. अभिराज इज करेक्ट, रेस्ट ऑल आर रॉन्ग, सिद्धांत इज रॉन्ग, हाँ जी, रिधि करेक्ट, अमितोष, सिद्धांत करेक्ट, प्रार्थना करेक्ट, वेरी गुड, नाउ मेरा करेक्ट है, हाँ जी, अमितोष इज करेक्ट, ओके, नाउ इट्स कमिंग रॉन्ग आंसर्स नाउ, ठीक है, लेट्स कॉल विजया, विजया माइक पर आओ बेटा, यस सर, बेटा टू किड्स हैं, है ना, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, आइदर बॉय बॉय, बॉय एंड गर्ल, गर्ल एंड बॉय, गर्ल एंड गर्ल, ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम्स थे, क्योंकि वो जो पर्सन है ही वेंट टू अटेंड अ सेमिनार मेंट फॉर फैमिली विद एटलीस्ट वन गर्ल चाइल्ड, है ना, जिनके पास गर्ल चाइल्ड है सिर्फ उनके लिए वो सेमिनार था, सो दैट मीन्स उस सेमिनार में ये जो पहली पॉसिबिलिटी है ये तो आ ही नहीं सकते, ठीक है, आप उस बंदे के पास गए, आपको पता है उसके टू किड्स हैं, बट यू आर श्योर कि वो बॉय बॉय तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, दैट मीन्स उसके पास जो किड्स हैं वो इस कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, एल्डर वन इज बॉय, यंगर इज गर्ल, और एल्डर गर्ल, यंगर बॉय, और बोथ आर गर्ल्स, एग्रीड ऑन दिस? Yes, sir. Now, what is the probability that both his kids are girls? Total cases are how much? 3. And favorable is 1. So, my answer is 1/3. ठीक है? तो यहाँ पर जो total cases हैं, वो आपको एक बार check करने हैं. Given conditions को, सारी conditions को जो fulfill करें, ठीक है? वो cases जो हैं, वो total cases में count होंगे. Given conditions क्या थी? कि टू किड्स होने चाहिए फर्स्ट, सेकेंड इज ही शुड बी एबल टू अटेंड दिस सेमिनार, सो ही शुड हैव एटलीस्ट वन गर्ल चाइल्ड, तो ये गिवन कंडीशंस है, इनको फुलफिल करने वाले टोटल 3 केसेस थे, फेवरेबल कौन से हैं, व्हेन बोथ द किड्स आर गर्ल्स, सो ओनली 1 वाज फेवरेबल आउट ऑफ 3, सर इसको बॉय 1 बॉय 2 गर्ल 1 गर्ल 2 करके नहीं करना था, बॉय वन बॉय टू, फिर से, यस सर, जैसे जो टू रेड बॉल्स एंड टू ब्लैक बॉल्स आ रहा था क्वेश्चन, सर वैसे नहीं करना था इसको, नहीं नहीं बेटा, यहाँ पर हम सिलेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, हम कोई ऑर्फनेज में जाकर जो बच्चे सिलेक्ट थोड़ा कर रहे हैं उस फैमिली के लिए, ठीक है, यहाँ पर तो फैमिली, अगर मैं देखो एक मैं फैमिली के पास गया हूं और मुझे पता उस फैमिली के टू किड्स हैं, ठीक है, तो वो जो किड्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, हो सकता है कि जो पहला बच्चा है वो बॉय हुआ हो और दूसरा वो भी बॉय हो गया है,
पहला बेबी बॉय है और दूसरा बेबी जो है वो गर्ल हो गया है, या पहला बेबी गर्ल है दूसरा बेबी बॉय हो गया है, पहला बेबी गर्ल है और दूसरा बेबी भी गर्ल है, सिर्फ यही चार पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर बी वन बी टू थोड़ा ना लगेगा बेटा। ओके सर, ओके सर, मैं सेइंग सर बट इट इज अ गर्ल नॉट एट लीस्ट अ गर्ल, सो शुड इट नॉट बी टू बाय थ्री। ओके बेटा, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड करनी है? फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हिज किड्स आर गर्ल्स, है ना, दोनों के दोनों किड्स गर्ल होने चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। सो यहाँ पर 2/3 नहीं होगा क्योंकि फेवरेबल सिर्फ एक ही है जहां पर दोनों किड गर्ल्स हैं, ठीक है। सो फेवरेबल इज 1 out of total 3। रियाना, आई होप थिंग्स आर क्लियर, आप वापस टाइप करें इफ एनी डाउट इज देयर। हाँ जी, एनीवन एल्स? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो तन्वी। सर हम लोग को एग्जाम में टेबल बनानी होगी जैसे बॉय 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 गर्ल वाला। हाँ जी हाँ जी, एग्जाम में बेटा सिर्फ 2 kids तक आएगा आपका, अगर 3 kids भी आता है देन आल्सो यू कैन मेक द टेबल ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, है ना, 8 outcomes हो जाएंगे व्हिच यू कैन राइट डाउन इजीली। ओके ठीक है। सो क्वेश्चन में ना थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है गिवन कंडीशन क्या है। मैं इफ आई एम सेइंग अ पर्सन हैज गॉट 3 kids एंड इट हैज गॉट 2 boys आर देयर, 3 kids में से 2 तो बॉयज है पक्का है, ठीक है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड वन इज आल्सो अ बॉय, थर्ड वन इज अ बॉय, ठीक है। मुझे ये तो कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई हाँ 2 तो बॉयज हैं उनके पास, है ना, सुना है कि 2 boys हैं फुटबॉल टीम में कुछ है, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है थर्ड वन इज अ बॉय, ठीक है। So, if only this one, this information is there, family is having 2 boys, what's the probability that the family is actually having 3 boys? So, favorable, आप कौन से लेंगे? Total कौन से लेंगे? जहाँ पर 3 kids हैं और 2 boys हैं, you know? These are your total cases now. Total cases 8 नहीं रहेंगे. Total cases कौन से हैं? 3 kids and 2 boys. That is total cases. And all 3 are boys. So, that is this one. So, अगर हमने उन सब फैमिलीज को अलग किया, ठीक है, सेमिनार में मैंने फैमिलीज को बुलाया जिनके 3 kids हैं और कम से कम 2 boys हैं, ठीक है, उन सब फैमिलीज को अगर मैं सेमिनार में बुला रहा हूं एंड इफ आई आस्क देम रेज योर हैंड इफ यू हैव गॉट ऑल 3 kids एज बॉयज, ओनली 1/4 ऑफ देम विल रेज योर हैंड, ठीक है। सो टोटल आर केसेस फुलफिलिंग द गिवन कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस? ऑल द कंडीशंस विच आर देयर इन द क्वेश्चन। चलो आई होप थिंग्स आर मोर क्लियर नाउ, ठीक है, आई विल पोस्ट अ सॉक्रेटिव क्विज ऑन सेम सो यू कैन अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस फॉर मोर प्रैक्टिस। लेट्स एंड द सेशन नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय वेलकम। बाय बाय सर। सर आप टेस्ट का टाइम एक्सटेंड कर सकते हो?